चरागी। सीवी पकड़ो 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 सीवी, देख देख गिर, खड़े हो जाओ बेटे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बिल्ली। खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, चलो पकड़ो भाई एक दूसरे को, चलो फिर दौड़ो। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सीमा से में। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये मेरे घर का वीडियो है। ये छोटा सा क्लिप जो मुझसे रह गया था, मैंने पहले नहीं डाल पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज डाल देती हूँ। और छोटे छोटे बच्चे ये आप देख ही रहे हैं, एक शिवी है और एक मिशू है। मिशू मेरी भतीजी की लड़की है। तो ये दोनों एक ही दिन हुई थी, शिवी और मिशू दोनों एक ही दिन हुई थी। बस इनकी टाइमिंग में फ़र्क है, सिर्फ 5-6 घंटे का ही अंतर है। शिवी सुबह 7 बजे हो गई थी और मीशु दोपहर को 12 बजे हुई थी। बस यही इनका टाइमिंग जो है उसमें ही चेंज है, बाकी ये एक ही दिन पैदा हुई थी दोनों की दोनों। और ये देखिए, इनके एज में तो अंतर नहीं है, लेकिन इनके रिश्ते में बहुत गहरा अंतर है, क्योंकि ये मेरी भतीजी की लड़की है। और आप समझ सकते हैं कि मेरी भतीजी की लड़की और मेरी बेटी का रिश्ता क्या हुआ। ये एक तरीके से मासी भांजी का रिश्ता हो जाता है। तो यहाँ पर कई बार हम लोग हंसते हैं, मजाक करते रहते हैं कि ये मम्मी है और ये बेटी है, और बस ऐसे ही हंसी मजाक होता रहता है। और अच्छा लगता है जब हंसी मजाक होता है। और बच्चों के साथ ये बच्चे जो है खूब खेल रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे। यहाँ पर ये जो लड़का है, ये मेरे भतीजे का लड़का है। और मेरे दो भतीजे हैं, एक का नाम दीपक है और एक का नाम अनिरुद्ध है। तो ये दोनों भाई हैं, और बड़े भाई की शादी हो चुकी है, यानी कि मेरे बड़े भतीजे की शादी हो चुकी है, तो उसका ये लड़का है। और एक जो छोटे वाला है, इससे वो यहीं पास में ही बैठा हुआ है, वो ऐसे ही बातें कर रहा है। तो यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे थे, मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। मम्मी ने ना एक कान्हा जी की ड्रेस बनाई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मम्मी बोल रही थी कि मेरे कान्हा की ड्रेस दिखाना। मम्मी कहाँ रखी है वह ड्रेस, आपके कान्हा वाली ड्रेस? वो बनाई थी आपने भी? आप कह रहे थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और पता है मेरे, मैं नहीं बनाती अब, शौक मुझे भी बहुत है लेकिन अब नहीं बनाती। और मम्मी बना लेती है और सोनिया बना लेती है, इतनी सारी ड्रेसेस हो जाती है, मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं फ्री हो गई हूँ इस काम से। पहले मैं सिलाई का काम बहुत किया करती थी, लेकिन अब नहीं करती, लेकिन करना पड़ेगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि काम नहीं चलता ना। थोड़ा बहुत हम लोग अपने घर का काम खुद से कर लें तो इसमें दिक्कत नहीं आती है। और ये सिलाई विलाई का काम तो हम लोग खुद से घर में ही कर लेते हैं। और मुझे मिल नहीं रही वो ड्रेस, क्योंकि यहाँ रहते नहीं हैं तो अब चीज़ों का पता नहीं है भाई मुझे। पहले सब चीज़ों का पता था। कहाँ रखे मम्मी, मिली नहीं? और सिलाई विलाई का काम तो हम लोग ना खुद से ही कर लेते हैं, क्योंकि सिलाई बहुत महंगी है। और सूट वगैरह जो है खुद से सिल लेते हैं, वो ठीक रहते हैं। मुझे किसी के सिले हुए वैसे इतने पसंद भी नहीं आते। कहाँ? तो चलिए आप देख लीजिए, और वीडियो काफ़ी लंबा। और ये देखिए कान्हा की बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ड्रेस है। आपको भी अच्छी लगे तो मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कैसी लगी इनमें ड्रेसेस। और ये ना मम्मी ने बनाई हैं सारी की सारी, और सोनिया की ड्रेसेस मैं बाद में दिखाऊंगी, उनके भी कलेक्शन बहुत प्यारे प्यारे हैं। और ये उनकी बनाई हुई हैं, सिलाई से जो बनाई जाती हैं वो ड्रेसेस हैं, खरोसिए की तो ये नहीं है, लेकिन ये सिलाई से बनाई हुई हैं। तो ये देखिए, ये एक से एक अलग अलग तरह के ड्रेसेस हैं, बहुत प्यारी और बहुत ही सुंदर ड्रेसेस हैं। ये देखिए, ये टोपी देखिए आप, कितनी प्यारी लग रही है। और जब कान्हा जी पहनते हैं ना, इतने सुंदर लगते हैं सच में। या फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको पहने हुए भी दिखाती, लेकिन अब सर्दियाँ हो गई हैं तो ये ड्रेसेस अब नहीं पहना रहे, तो मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए उनकी जो ड्रेसेस हैं वो कान्हा को नहीं पहना रहे, वैसे सिंपल वाली ड्रेसें पहनाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, एक और टोपी मम्मी ने दिखाई है आपको, मैंने बहुत अच्छे लगते हैं कान्हा के ड्रेस बनानी। और नहीं कुछ बोलना मम्मी, और भी कुछ बोलना? और क्या बोलना, बोल दो। बस मैंने बहुत अच्छी लगा, मुझे सेवा करूँ भगवान कान्हा की, सेवा करूँ मैंने की, गोपाल लड्डू की सेवा करूँ, बहुत अच्छा लगा मैंने। जितनी भी मेरे पास सेवा पड़ा है,
नहीं है, किसी को भी दे सकूँ, अपनी फ्रेंड को, किसी के कान में पुरा सकूँ। अच्छा, ये मैंने अपने खुद के लिए नहीं बनाई, ये देने के लिए बनाई। आज आप मम्मी से अच्छे से मिल लिए हैं और मम्मी को सेवा पूजा पाठ बहुत ज़्यादा पसंद है। बहू इतनी तेज़ नहीं है पूजा पाठ करने में, भाई मैं तो ठीक सही करती हूँ, देखिए जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। बाकी आप समझ सकते हैं कि ये गृहस्थी है मेरी थोड़ा सा, और मम्मी को थोड़ा ज़्यादा लगाव है। अभी हमारे यहाँ 24 तारीख का भंडारा है, आप सबको न्योता है हमारे गुरु जी का। बोल रही हैं ये वाली ड्रेस भी दिखाओ, देखिए ये देखिए आप खुद बनाई, ये भी मम्मी ने ही बनाई है। माता कब दिखा रही है। और आज मैंने मम्मी की सारी इच्छा पूरी कर दी। मम्मी बहुत दिनों से बोल रही थी कि ये ड्रेसेस दिखाओ अपनी वीडियो में, तो मैंने कहा चलो आज दिखा देती हूँ मैं कान्हा जी की और माता रानी की ड्रेसेस। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।